गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मजा आएगा ना भिड़। आज जयपुर का सेकंड मॉर्निंग स्टार्ट हो चुका है, अभी 6 बज रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, वो भी 9 साल के बाद। ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो चुके हैं। राहुल भैया हैं, जयपुर में ही रहते हैं और हम लोग कभी दिल्ली में एक साथ एक हॉस्टल के एक रूम में रहा करते थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी उनके आने पे आगे का अपडेट देता हूँ। फाइनली राहुल भैया आ चुके हैं, इनके बारे में ही बात हो रही थी। समोसा के साथ चटनी मिलेगा ना? यहाँ हम भी रेडी हैं और हमारे ब्रेकफास्ट भी आ गई है, आलू के परांठे और सब्जी है और हमारे लिए कॉफी भी है और हम सब रेडी हैं। ये अपना खाने के लिए भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो फिर चलते हैं हमारा पहला डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हमारा हवा महल। तो अभी हम निकल चुके हैं। तो ये रही हवा महल की फ्रंट व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। मतलब मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती उसको, आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने उम्दा तरीके से इसको बनाया गया है। उस टाइम पे बनाया गया था और ये अभी तक इसकी ब्यूटी जो है वो बरकरार है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है सामने से देखने पर। तो बाकी के हमारे टीम यहाँ पे इकट्ठे हो गए और अब हम चलेंगे आगे की तरफ। फिर से बोलो। चलते हैं हम आगे। अब हेलो, फाइन फाइन, व्हाट अबाउट योर्स? फाइन। और बाकी सब हमारे नहीं दिख रहे? ये हम हैं, हाँ, और ये हमारा गैंग है और ये हम हवा महल घूम रहे हैं। हवा महल में हवा भी आ रही है। हाँ, ये कैसा ये इश्क है? जब सर इश्क है। चले चलते हैं, हाँ ऊपर चलते हैं। चले बाबू, चलो 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 चलो, इधर इधर चले, चलो। ये जिम्मेदार पापा अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए विद स्माइल। चले, कहाँ गई? हाँ, का ज्ञान देना शुरू कीजिए। सलमान सर यहाँ से बहुत बड़े उसको साहित्य का। ओके, हाँ हाँ भाई, हवा महल जो बनाया था, हाँ, नाम था बादशाह बहादुर हवा। बहादुर हवा हवा कौन है ये लोग?
देखते हैं इस खिड़की से क्या दिखने वाला है। इस खिड़की से भी बहुत अच्छा नजारा है, वैसे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये कौन है? नमस्ते राजा। अच्छा नमस्ते राजा साहब। मजाक नहीं उड़ाते थे। नमस्ते करना पड़ेगा पहले उनको, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे कि मेरा नमस्ते कीजिए। अरे नमस्ते को तो कीजिए। ये हवा महल का मिनिएचर है जो कि फ्रंट से बैक तक मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। हाँ ये फ्रंट है बट अभी हम लोग बैक में हैं। तो फाइनली हम पहुंचे हैं यहाँ जल महल और ये हमारा एंट्रेंस है और यहाँ पे देखेंगे कि राजा जो है वो हाथी से जा रहे हैं। अच्छा ये राजा की पालकी है और यहाँ उनके पीछे प्रजाएं चल रही हैं नाचते झूमते हुए और आगे देखें तो माउंटेन दिखाई दे रहे हैं हमें बहुत ही सुंदर और पानी के बिल्कुल बीचों बीच हमें जल महल दिखाई दे रहा है और पानी के बीच में है सो इसलिए हमारा इसका नाम जो है वो जल महल पड़ा हुआ है। और ये हमारे इसकी एंट्रेंस है और हमारे फ्रेंड्स यहाँ वेट कर रहे हैं और चलेंगे हम। हाँ यहाँ से जो ऊंट पे बैठे हाथी पे बैठे हुए राजा सवाई जय सिंह जी है दीदी और अच्छा। इनके पीछे है इनके सैनिक वगैरह है। अच्छा आप सो हम पहुँच चुके हैं जल महल में और देख रहे हैं जैसा ये जल महल जो पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है और जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंट्रो में बताया था कि ये सच में पानी के बिल्कुल बीचों बीच है इसलिए इसका नाम जल महल है। महल पानी के बीच में होगा तो ऑब्वियसली ये जल महल में होगा। और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट यहाँ के कल्चरल क्लोथ्स हैं जो कि लोग इसको पहन के फोटोज क्लिक कराते हैं और यहाँ हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं तो फिर हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ है हमारी यहाँ की व्यू, इसमें बोटिंग भी होती है आई गेस लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है बट अभी होती है नहीं वो पता करना पड़ेगा। रात में जो चार महीने गर्मी के आते हैं उसको बिताने के लिए पानी के बीच में महल बनवाया है। 1799 के अंदर में सवाई प्रताप सिंह थे जयपुर के पांचवें नंबर के राजा जिन्होंने हवा महल और जलमहल दोनों साथ बनवाए एक ही सन में। हवा महल पीछे है सिटी में पांच मंजिल का, ये जलमहल दीदी तीन मंजिल का है। अच्छा जितने ही आप लोग ऊपर देख रहे हो उतना ये नीचे डूबा हुआ है। राजाओं के समय में देखो एसी कूलर बिजली पंखा को इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं होती थी। राजा महाराजाओं ने कुंड बनवा करके तीन मंजिल का पैलेस बनवाया दीदी। पैलेस के पहले फ्लोर के चारों तरफ से ग्लास लगाए गए, एक फ्लोर को पानी के अंदर में डुबोया गया। शीशे से पानी टकराता था और पहाड़ की जो हवा आती थी टकरा करके महल में एसी का काम करती थी। अच्छा 1981 में जयपुर में पहली बार बाढ़ आई, बाढ़ के कारण पहाड़ की मट्टी बहकर के आई, महल नीचे डेढ़ फ्लोर ढस गया, खराब हो गया, किसी काम का नहीं। ऊपर टेरिस बना हुआ है, बीच वाली छतरी में राजा रानी बैठते थे अपना टाइम पास करने के लिए मुजरा देखा करते थे। महल के पीछे रेड कलर की फोर्ट देख रहे हो, राजाओं के समय की जेल बनी हुई है। बाहर के कोई बंदी कैदी आते थे उनको वहाँ पे काले पानी की सजा देते थे। दो फोटो तक आज के डैम पे डैम बना दिया गया है, बरसात के कारण ज्यादा पानी आता है, पानी को वेस्ट नहीं करते हैं, पीछे डैम के द्वारा पानी को खेती बाड़ी के काम में ले लेते हैं। अभी क्या है 99 साल के लिए नरोत्तम कोठारी जी है जयपुर के सेकंड नंबर के पैसे वाले, उन्होंने इसको लीज पे ले रखा है, इसके अंदर में काम चल रहा है सर, इसके अंदर में होटल रिसोर्ट कैफे ये बाहर सब बन रहा है। 5 जनवरी 2025 को ये चालू हो जाएगा, आम पब्लिक के अंदर जाना अलाउड कर देंगे। सामने बोट खड़ी है, बोट के द्वारा आप लोगों को टेरिस पे घूमने को मिलेगा सर। सामने बना हुआ है टिकट विंडो सर। अब देखो सामने है शूटिंग गार्डन, बेटा हम साथ साथ, अजनबी, लाल बादशाह, खुदा गवाह से पिक्चरों की शूटिंग हुई है सर, वहाँ चले। ओके जी और खाने के बाद हम लोग चाय। आप यहाँ से लाइक करें हमारे वीडियो को लाइक। तो हम लोग पहुँचे हैं आमेर फोर्ट यहाँ पे और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमारे सारे दोनों गाड़ियाँ लग चुकी है और हम सारे मिल भी गए एक जगह एक पास में और फिर यहाँ से हम चलेंगे। अभी हम लोग जाएंगे थार से, किसी से जाना है हमें किसी से जाना है इस वाले थार से जाएंगे।
ओके ये वाली जगह इधर है, इससे जाएंगे हम गाड़ी में बैठ के चलेंगे ऊपर अंदर ना। अच्छा ऊपर अच्छा मीन्स ऊपर 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 अच्छा मुझे लगा गाड़ी के ऊपर जाना है ऊपर पोर्ट पे जाना है हमें यहाँ थोड़ा रश एरिया भी है तो यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से जाएंगे और हमारी गाड़ी अभी यहाँ पे पार्क हो रही है और पार्क होने के बाद हम जाएंगे थार से ऊपर बिकॉज यहाँ के रास्ते थोड़े हेलो कर रहे हैं हमारे सोनू सर वाली थार नहीं है नकली थार है। अच्छा ये नकली थार ये नकली थार है जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं याद आया कि हम साथ साथ ये शूटिंग भी है ना जो यहीं पे हुई है यहाँ पे ऊंट की सवारी भी होती है हाथी की सवारी भी होती है तो हम लोग पहुँचे हैं आमेर फोर्ट रेडी हो चुके हैं और आगे हम लोग यहाँ पे एक हमारी नकली थार में यहाँ पे टिट्टी दिखाई दे रही है टिट्टी देखो और यहाँ हमें इस साइड और यहाँ हमारे सोनू सर है और हमारे सर भी हैं सोनू सर हाय कीजिए हाय अब हम जा रहे हैं कहाँ आमेर फोर्ट कहाँ जा रहे हैं हम सब आमेर फोर्ट और ये हमारे नकली थार है बारे में बता सकते हो आप बिल्कुल बताओ अभी आपको ये जो यहाँ आमेर गांव में 365 मंदिर है यहाँ और जो है राजा के टाइम से बने हुए राजा हर रोज एक मंदिर के दर्शन किया करता था और कुछ तो खंडर हो चुके हैं कुछ गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है इसको ये जोधाबाई का बर्थ पैलेस है जोधाबाई का यही जन्म हुआ था अच्छा और उसके बाद में शादी होने के बाद में फतेहपुर सिकरी आगरा अकबर के पास चली गई थी अच्छा और ये जो देख रहे हैं ओल्ड सिटी है इसके बाद में फिर आप लोग जयपुर देख के आए वो राजा मानसिंह ने बनाई थी न्यू सिटी उसका नाम दिया था पिंक सिटी हमें लगी थी जोरों की भूख तो हम यहाँ पहुँचे खाने के लिए यहाँ ये एंट्रेंस के बाद यहाँ ओपन टेरेस भी है टू ब्यूटीफुल बहुत बढ़िया भूख भी लगी है तो फाइनली हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे पेट पूजा करने वो हमारा काम स्टार्ट हो चुका है बहुत जोरों की भूख लगी थी अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खाना अलग एक्टिविटी में बिजी हैं। सो यहाँ हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है आमेर फोर्ट की और ऑलमोस्ट हम यहाँ पहुँचने ही वाले हैं और फिर यहाँ जाने के बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की चीजों को ये फ्रंट व्यू है आमेर फोर्ट का भैया आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी मैडम ये क्या है इसके बारे में पन्ना मीना का कुंड पन्ना मीना पन्ना मीना मीना था मीना कास्ट होती है जाति होती अच्छा ये कौन है वैसे ये पहले मेरे मीनों का शासन था मीनों के भी राजा थे उनके शासन बना है 11वीं शतक मीनों का राज्य था अच्छा उसी बाद फिर लोग हो गए अच्छा तो फिर ये मैंने गाँव वालों के लिए बनाया पानी पीने के लिए गाँव वाले से पानी ले जाते थे अच्छा ये पानी पीने का है पानी पीने का है अच्छा अच्छा अब तो गगन नल लग गए बिजली पैदा के लिए शासन नहीं थी मैंने कुआ बावड़ी या कोई बड़ी नहर नहीं गंगा यमुना है नहीं और ये बताओ वहाँ पे जो मंदिर है ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या राजा जो बनवाए थे बहुत सारी मंदिर उसमें से एक है ये मैडम वो एक आगे ये कबीरदास बिहारी का मंदिर ही है अच्छा कबीरदास जी बिहारी अच्छा कबीरदास दो हिंदी में दुआ लिखते थे कविता हाँ हाँ उनके नाम से जाना जाता है कबीरदास जी का मंदिर अच्छा अच्छा छत में बैठे दुआ लिखते थे अच्छा यही पे दुआ लिखते थे बैठ के वैसे मंदिर तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ये कबीरदास के नाम से जाना जाता है अच्छा हाँ आप क्या बोल रहे थे मैं बोल रहा था ना इधर आवाज गूंज रही है बोल के दिखाइए अंदर आओ फिर पता चलेगा इतना ऊंचा कैसे चढ़ूंगी मैं बोलो बोलिए लेकिन सारा तो ओपन है फिर हैं हेलो हाँ तो ये इको कैसे हो सकता है जब सारा इधर का ओपन है और इधर से हाँ जल्दी कवर अप कर लेते हैं फिर बात करें अच्छा ये कौन सा क्या है अभी ये आमेर की चढ़ाई चढ़े सर हम लोग अच्छा चाइना वाल का तो नाम सुना ही होगा हाँ ग्रेट वाल हाँ सबसे पहले सबसे बड़ी चाइना वाल है दूसरी कुंभलगढ़ उदयपुर के पास में तीसरी आमेर फोर्ट की बाउंड्री वाल है ये 12 किलोमीटर के दायरे में है ये पूरी 12 किलोमीटर बाप रे
जो है पूरी वाल इतनी बड़ी है कि पहले के लोग जो दुश्मन आक्रमण करता था तो 12 किलो 25 किलोमीटर दूर से पता चल जाता था। और ये जो सामने जो देख रहे हैं ना ये छतरियां चौकियां, इन चौकियों पर नगाड़े बजाते थे वो लोग भाई दुश्मन आक्रमण कर रहा नगाड़े वाला। ओके, तो इस महल में शीश महल भूल बोलिए गणेश पॉल राजा रानी का बेडरूम दीवाने आम दीवाने का, आपके तो वैसे ही लोकल बंदे हैं आराम से गाइडिंग करेंगे अंदर आप लोग। और ये आपको यहाँ से जाने का, आप ये हम आमेर फोर्ट पा चुके हैं। अच्छा, अभी यहाँ से वॉकिंग है, ये वहाँ से यहाँ से वॉकिंग पे जाएंगे तो हो आमेर फोर्ट। देखो सोनू भाई, हाय बोलो। हाय, क्यों आए थे सोनू भाई यहाँ? घूमने के लिए, एंजॉय घूमने के लिए एनिवर्सरी मनाने के लिए सर। अच्छा, हेलो सर, वेलकम। पौने सात तक बेबी भाई का, हाँ बकरी, हेलो बकरी को पहले ही पता चल गया। ट्रेडिशनल जैसे कि म्यूजिक होती है वो सब सारी चीजें हैं यहाँ, कठपुतलियां हैं वैसे। तो ये दरवाजे हैं, लॉक मान भी आने चाहिए। और दिखा दो। ओके, ये नाइट व्यू है यहाँ का, जो कि मैं यहाँ पे अभी आपको शेयर कर रही हूँ। सीरियसली अम्मी, जल्दी आएगा ये वाला व्लॉग, जल्दी से जल्दी। और आप लोग क्या करेंगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब, वेरी गुड, ये समझदार है। महल का दूसरा गेट है, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होगा वो फ्रंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना तोप वगैरह भी हैं दो दो, जो पुराने जमाने में जैसा तोप दिखाई देता था वैसा है। आप नाइट व्यू सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सीरियसली मतलब मैं तो फैन हो गई हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ तोप को, सो ये रही हमारी तोप क्योंकि लिटरली बहुत अच्छी है। और ये यहाँ पे है पैलेस, एकदम मैं बताऊँ यहाँ सामने से दिखने पे ना ये बिल्कुल 5 स्टार क्या 10 स्टार जैसा दिख रहा है। और यहाँ से ज़रा हम एक बारी उधर कैप्चर करते हैं तो देखते हैं। ये आप देख सकते हो गेट कितना पुराना और कितना बड़ा है, यानी कि 100 लोग भी मिलके इसको तोड़ ना पाए इस गेट को। और यहाँ आप देख पाओगे जैसे ये महल का पार्ट है, एक हिस्सा है। ओके, और यहाँ है, लोग कहते हैं कि ये सब सारी ये महल की 4 दीवारियाँ हैं। अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों ने टिकट को ले रखा है अभी। इसके अंदर हाँ, शीश महल है। जरा इसको बताएंगे क्या है, ये बताइए कि क्या है। ये है दीवाने आम। अच्छा, इसमें क्या होता है? जनता की सुनवाई होती थी। अच्छा, राजा महाराजा जो होते थे हफ्ते हाँ। में एक बार यहाँ आके जनता की दुख दर्द पीड़ा सुना करते थे। अच्छा, तो ये जनता इधर बैठती थी? नहीं नहीं, जनता इसके अंदर बहुत लोग आते थे। अच्छा, आ जाओ सुनो, इधर आ जाओ। तो ये दीवाने आम है, ये शायद यही है इसमें। ये तो इसमें राजा रहते थे अंदर, इसके अंदर रानियां रहती। ये दीवाने आम है, पहले यहीं चलते रानियां रहती। और ये है राज्य का ये कोर्ट टाइप का विधानसभा।
और डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये हमारा सी स्मेल का ग्लास है ना, दीवाने खास है ये, और ये ग्लासेस से बने हुए हैं। लेट मी शो यू सी, ये दिख रहा होगा कि पूरा ये मिरर वर्क है जो कि लाइट कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही उमदा किस्म की कारीगरी हुई है इसमें। आमेर फोर्ट जो है वो रियली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, मतलब ये है अंदर से भी देखने पे, और नाइट व्यू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इसी के साथ हमारा आज का जो रहने का, मतलब यहाँ रुकने का जो प्लान था वो होता है ख़त्म, यानी कि हमारा पूरा एक रात रुक के हम यहाँ पे जयपुर में, और फिर यहाँ पे घूमे। अब वापस अभी बज रहे हैं 7 और फिर वापस हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर के तरफ, यानी दिल्ली के तरफ वापस। 8 बजे से हम लोग यहाँ से निकलना शुरू करेंगे और फिर वापस देखते हैं कब तक हम पहुँचते हैं दिल्ली। सो हेलो एवरीवन, अभी जस्ट हमारा जो ट्रिप हुआ जयपुर का वो ख़त्म हो चुका है और हम वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और जाने के क्रम में हम लोग निकले कब थे, 7:30 के करीब में, और अभी हम फिलहाल यहाँ रुके हुए हैं सुखदेव ढाबा के पास, और बाकी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका वेट कर रहे हैं। थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे चाहिए हमें थोड़ी सी कॉफ़ी, और जो चाय लेते हैं उनके लिए चाय, या फिर जिसको खाना है वो खाना भी खाएगा। सामने मैंने खाया था तो मुझे तो भूख नहीं है, बट हाँ बाकी लोगों का देखते हैं क्या सीन है, चलते हैं। अभी के फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश होके फिर यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। बहुत ज्यादा वाली ठंड लग रही है वाली। हेलो गाइस, चाय पी लो। सुनो भाई जादू कर दिया ये। पीछे वो वाला जो आपने पहना था व्हाइट वाला, वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरे ये तुमने कैसे बताया? भाई गाइस सो जाइए, बहुत रात हो गया, अब ब्लॉग खत्म। गाइस वेट कर रहा हूँ मेरा भाई। चलो हो गया कब लगे चलते हैं, ढूंढना भी रहेगा। अरे अरे रुक जाओ भाई, दो दिन में बहुत सारी मेमोरीज आ गई सच में। गाइस थोड़ा अभी मत सोइएगा, थोड़ा उठ जाइए, अभी सर बाहर निकल रहे हैं। जो भी पेन निकले तो हमारे ही थे। हाँ जादू टू। फाइनली हमारा ये जयपुर वाला जो हमारी ब्लॉगिंग थी वो एंड होती है, सब अपने अपने घर पे पहुंच गए हैं, और टाइम हो रहा है अभी 4:20 जैसा कि आप देख रहे हैं, और अभी सब अपने अपने घर में आराम कर रहे हैं, और हम भी अभी जस्ट पहुंचे यहाँ पे। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम क्या है, मिस्टर एंड मिसेस सुक्लास वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो, या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।